हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जी के और उसमें हमारा केमिस्ट्री चल रहा है और हमारा आज का टॉपिक है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसमें आज हम सिर्फ और सिर्फ एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एसिड्स होता क्या है? एसिड वो सब्सटेंस है जिसका टेस्ट सोर होता है, मतलब जो टेस्ट अगर हम करते हैं एसिड का तो वो थोड़ा खट्टा सा होता है। जो अगर हम एसिड को ब्लू लिटमस पेपर पर डालते हैं तो वो लिटमस पेपर के कलर को रेड कर देता है। और जो एसिड होता है इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स होते हैं, और जो एसिड्स होता है ये हाइड्रोजन आयंस देता है अगर हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में रखते हैं अकॉर्डिंग टू अरहेनियस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट जो एसिड होते हैं वो प्रोटॉन्स डोनेट करते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू ल्यूस थ्योरी जो एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं एसिड के यूज़ की, कि एसिड के यूज़ क्या हैं, क्या क्या हमें फ़ायदे हैं। एसिड जो है उनको उसको हम डेली लाइफ में एज अ फूड यूज़ करते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किस में होता है? लेमन यूज़ होता है, ऑरेंजेस हम खाते हैं, या फिर जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उन सब में सिट्रिक एसिड होता है। जो सोर मिल्क होता है, जो दूध होता है ख़राब हो जाता है, खट्टा हो जाता है, तो उसमें लैक्टिक एसिड होता है। रैंसिड बटर में ब्यूटेरिक एसिड होता है, ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड होता है, विनेगर जो घर में विनेगर यूज़ होता है, सिरका जिसको बोलते हैं, उसमें एसिटिक एसिड होता है। एप्पल्स में मैलिक एसिड होता है, फैट्स जो हम कंज्यूम करते हैं उसमें स्टेरिक एसिड होता है, और टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। जो हम सोडा वाटर या एरेटेड ड्रिंक्स और पीते हैं उनमें कार्बोनिक एसिड होता है। फिर एसिड की आगे आती है इंडिकेटर प्रॉपर्टीज़। अब अगर हम एसिड को ब्लू लिटमस पेपर पर डालते हैं तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। मिथाइल ऑरेंज जो इंडिकेटर है ना, उसको जो अगर हम एसिड में डालेंगे तो वो उसको ऑरेंज से पिंक कलर में चेंज कर देगा। अब अगर आपने साइंस स्टूडेंट हो, अगर आप प्लस वन प्लस टू में आपने साइंस ली है, तो वहाँ पे आपने लैब में देखा होगा, लैब में मिथाइल ऑरेंज और फिनोलफ्थीन। फिनोलफ्थीन तो बहुत ही मतलब कॉमन सा इंडिकेटर है, ये तो होता ही है, हर लैब में होता है। तो ये वाले इंडिकेटर जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना केमिस्ट्री में, उसमें यूज़ होते हैं। मिथाइल ऑरेंज जो इंडिकेटर है ये पिंक कलर में चेंज कर देता है, और फिनोलफ्थीन जो हम डालते हैं तो इससे एसिड जो है वो कलरलेस ही रहता है, वो एसिड को कलरलेस बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट है HCl। जो है हमारी जो बॉडी में होता है, हमारे स्टमक में होता है HCl, वो डाइजेशन में यूज़ होता है। HCl क्या होता है? HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी डाइजेशन में यूज़ होता है। नाइट्रिक एसिड की बात करें तो नाइट्रिक एसिड को गोल्ड एंड सिल्वर की प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जो कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड होते हैं, इनको आयरन को वॉश करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसकी गैल्वनाइजेशन करने से पहले। गैल्वनाइजेशन क्या होती है? गैल्वनाइजेशन होती है जो आयरन होते हैं ना, आयरन के ऊपर जिंक की एक कोटिंग करी जाती है आयरन को क्रोजन से बचाने के लिए, उसको बोलते हैं गैल्वनाइजेशन ऑफ आयरन। तो जब आयरन की गैल्वनाइजेशन करते हैं तो उससे पहले जो आयरन होती है उसको हम साफ करते हैं, और साफ करने के लिए कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड यूज़ किए जाते हैं। और आयरन के ऊपर जो रस्ट स्पॉट्स लगे होते हैं, उन रस्ट स्पॉट्स को साफ करने के लिए ऑक्सैलिक एसिड यूज़ किया जाता है। और जो हमारे आई ड्रॉप्स आते हैं या आई वॉश आते हैं, उसमें बोरिक एसिड एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट यूज़ होता है। और जो रेड एंट्स होती है ना, छोटी छोटी सी रेड एंट्स जो होती है, कई बार गर्मियों में ज़्यादा दिखाई देती है, इनमें फॉर्मिक एसिड होता है। और मैमल्स का यूरिन होता है, जो भी गाय भैंस का यूरिन होता है, उसमें यूरिक एसिड होता है। ठीक है, यूरिक एसिड, ठीक है, उसमें यूरिक एसिड होता है। अब नेक्स्ट है कि बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। एसिड की बेसिसिटी क्या होती है? एसिड की बेसिसिटी होती है कि कोई भी एसिड नंबर ऑफ रिमूवेबल हाइड्रोजन आयंस कितने बनाता है। ठीक है, कोई भी एसिड नंबर ऑफ रिमूवेबल हाइड्रोजन आयंस कितने बनाता है, उसको बोलते हैं बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड। अब ये अलग अलग होते हैं, कुछ एसिड मोनोबेसिक एसिड होते हैं। जो मोनोबेसिक एसिड होते हैं उनमें जो रिमूवेबल हाइड्रोजन आयन होता है ना, वो एक ही होता है। फॉर एग्जाम्पल HCl, ठीक है, HCl में जो रिमूवेबल हाइड्रोजन आयन है एक ही है। तो HCl क्या है? ये एक मोनोबेसिक एसिड है। कुछ होता है ट्राइबेसिक एसिड। ट्राइबेसिक एसिड में क्या होता है? तीन रिमूवेबल हाइड्रोजन आयन्स होते हैं। जो डाइबेसिक एसिड होते हैं उसमें दो रिमूवेबल हाइड्रोजन एसिड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसमें जो दो हाइड्रोजन है ये दोनों रिमूवेबल आयन्स है।
नेक्स्ट आते हैं HCl के यूजेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यूजेस क्या होते हैं। हमारे स्टमक में जो गास्ट्रिक जूसेस होते हैं उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो HCl होता है हमारे गास्ट्रिक जूसेस में उस वो डाइजेशन में हेल्प करता है, और एज अ जो HCl है उसको एज अ बाथरूम क्लीनर भी यूज किया जाता है। गैल्वनाइजेशन से पहले HCl को पिकलिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। जब आयरन की गैल्वनाइजेशन करते हैं तो उससे पहले जो आयरन के ऊपर रस्ट स्पॉट्स होते हैं उनको साफ करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ किया जाता है। लेदर इंडस्ट्री में लेदर की टैनिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो HCl है इसको डाइंग के लिए यूज़ करा जाता है, और जो बोन से जेलेटिन बनता है ये भी HCl के यूज से ही बनता है, HCl की हेल्प से ही बनता है। फिर नेक्स्ट आते हैं नाइट्रिक एसिड के यूजेस। जो नाइट्रिक एसिड है वो फर्टिलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट जो बनता है इसमें नाइट्रिक एसिड यूज होता है। बहुत सारे एक्सप्लोसिव बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड यूज होता है, जैसे कि TNT हो गया, TNT क्या होता है, ट्राइनाइट्रो टोल्यूइन, TNB हो गया, ट्राइनाइट्रो बेंजीन, टिक्रिक एसिड हो गया, ट्राइनाइट्रो फिनॉल, तो ये सारे एक्सप्लोसिव बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड यूज होता है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड नाइट्रोग्लिसरीन बनाने के लिए यूज होता है, जिसको डायनामाइट बोलते हैं। रेन वाटर जो होता है, जो फर्स्ट शावर होती है, जो सीजन की फर्स्ट रेन होती है, वो उसमें जो फर्स्ट रेन का जो रेन वाटर होता है उसमें भी नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। और जो नाइट्रिक एसिड है ये सॉइल के साथ मिलके नाइट्रेट्स बनाता है सॉइल में, और रेयन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी नाइट्रिक एसिड यूज किया जाता है। डाइज और ड्रग्स जो बनती है उसमें भी नाइट्रिक एसिड यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस। सल्फ्यूरिक एसिड लेड स्टोरेज बैटरी में यूज होता है। लेड स्टोरेज बैटरीज कौन सी होती है, जैसे कि घरों में इन्वर्टर की बैटरी होती है वो लेड स्टोरेज बैटरी होती है, तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। जो कार की बैटरी होती है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। HCl बनाने के लिए भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। एलम बनाने के लिए यूज होता है। एलम क्या होता है, एलम पानी को साफ करने के लिए यूज की जाती है। एलम के और मेडिसिनल यूजेस भी बहुत सारे हैं, तो एलम की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। इसके अलावा बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, ड्रग्स, डिटर्जेंट, एक्सप्लोसिव्स बनाने के लिए भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड एज अ एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है। उसके बाद आता है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का क्या काम है, फॉस्फोरिक एसिड कैल्शियम सॉल्ट बनाता है, और जो इससे कैल्शियम सॉल्ट बनते हैं वो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, हमारी बोन्स को स्ट्रांग बनाते हैं, और ये फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें फॉस्फोरिक एसिड हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का सोर्स है, विटामिन सी जो है उससे एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है। सिट्रिक एसिड यूज होता है एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है, फूड में जो फ्लेवर्स वगैरह होते हैं फ्लेवर्स देने के लिए सिट्रिक एसिड यूज किया जाता है। इसके अलावा एज अ फूड प्रिजर्वेटिव भी यूज किया जाता है, जो फूड को हम स्टोर करके रखते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए सिट्रिक एसिड यूज किया जाता है। अचार वगैरह बनाते हैं उसमें भी सिट्रिक एसिड यूज किया जाता है उसको प्रिजर्व करने के लिए। जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड भी सेम फ्लेवरिंग एजेंट और फूड प्रिजर्वेटिव के लिए यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड पिकल्स में एज अ सोरिंग एजेंट यूज किया जाता है। जो पिकल होता है, अचार होता है, उसको खट्टा करने के लिए टार्टरिक एसिड यूज होता है। जो बेकिंग पाउडर होता है उसमें भी टार्टरिक एसिड एक कंपोनेंट होता है। बेकिंग पाउडर में क्या होता है, बेकिंग पाउडर में एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और उसके साथ टार्टरिक एसिड भी उसमें एडेड होता है बेकिंग सोडा में, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे बेसिस के बारे में एंड सॉल्ट्स के बारे में। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।